तो लास्ट क्लास में हमने डेनियल सेल का कंपोजिशन पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि हम अगर सिर्फ जिंक की रॉड को जिंक ZnSO4 के सॉल्यूशन में डाल दें या कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दें तो उस सॉल्यूशन और रॉड के बीच में एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यानी कि जिंक रॉड से निकल करके सॉल्यूशन में जाता है, जिसकी वजह से जिंक की रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। अब इस केस में यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, और वो नेगेटिव चार्ज जो रॉड पे आ रहा है उसकी वजह है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या यूज हो सकता है, इसके लिए हम इसको इसके साथ जोड़ देते हैं और हमारा एक सेल तैयार हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेनियल सेल। और इसमें हमने ये देखा था कि जो जिंक का रॉड है और ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ये नेगेटिव हो गया था और ये ZnSO4, और एक दूसरा रॉड, ये रॉड बोले तो इलेक्ट्रोड, ये जिंक और ये कॉपर, कॉपर सल्फेट पॉजिटिव। ठीक है, अब आपने इसको क्या करा, कनेक्ट कर दिया वायर से। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है ऑक्सीडेशन का, उसकी वैल्यू कितनी थी, 0.76, और इसकी थी रिडक्शन का 0.34। अब अगर आप इन दोनों को मिला करके एक सेल बनाना चाहते हैं इस तरह से, चलो सेल बाद में बना देंगे, एक छोटा सा काम और कर ही लेते हैं। हाँ, तो हमने इसमें बताया था कि इलेक्ट्रोड जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है, जिससे आपको एक करंट मिलती है, बट ये मूवमेंट ज्यादा देर तक चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिंक की वजह से, वो इस इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकते हैं, और यहां पर सल्फेट की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉनों को आने से रोक देता है। अब अगर हमें इस सेल को ऑपरेट करना है तो इन आयंस को खत्म करना पड़ेगा। इन आयंस को खत्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आप देखें तो सर्किट ओपन है, यहां से यहां तक है सर्किट ओपन भी है, और ओपन सर्किट में वैसे भी करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। और यहां पर हम लोग यूज करेंगे एक सॉल्ट से भरा हुआ एक यूट्यूब। अगर हम इस यूट्यूब की बात करें तो इसके अंदर अगर अगर ठीक है, ये एस्परजिलस नाइगर नाम से वो होती है एल्गी, उस एल्गी में से निकाला जाता है, प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम NO3 का यूज कर सकते हैं, ये डाल देते हैं। बट इसमें भी एक चीज है कि अगर इनमें से किसी कंपार्टमेंट में, इफ एनी ऑफ टू कंपार्टमेंट कंटेन Ag+, जैसे यहां पर हमारे पास क्या है, जिंक है और कॉपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर अगर सिल्वर हो जाता है या मर्करी हो जाती है, देन KCl इज नॉट यूज बिकॉज KCl कैन फॉर्म, या K+ आयन कैन फॉर्म PPT। तो PPT ना बने इसके लिए हम, अगर इन ये दोनों नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, PPT बन सकता है आपका, AgCl का बन सकता है, Hg2Cl2 का बन सकता है, ऐसे करके। तो ये प्रिकॉशंस है छोटी सी। ओके, वेल, हमने यहां डाला KCl। अब ये KCl क्या काम करता है, अब आपको पता है कि इस कंपार्टमेंट में Zn+2 है और यहां पर सल्फेट है, तो ये जो YouTube होता है इसमें जो सॉल्ट भरा जाता है वो सॉल्ट ऐसा भरा जाता है कि इसमें कैटायन और एनायन दोनों हो, और इन दोनों कैटायन की मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए।
मतलब जिस स्पीड से अगर आपने केसीएल भरा है, जिस स्पीड से पोटेशियम इधर की तरफ निकलेगा, उतनी ही स्पीड से सीएल माइनस इधर निकलना चाहिए। अब मुझे पता है इस कंटेनर में जेड एन प्लस टू है, तो ये सीएल माइनस जेड एन प्लस टू से रिएक्शन करके जेड एन सीएल टू बना लेता है। तो इस तरह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज धीरे 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 खत्म हो जाता है, और जबकि इस वाले कंपार्टमेंट में सल्फेट आयन है, तो ये के प्लस इन सल्फेट आयन से रिएक्शन करके के टू एस ओ फोर बना लेता है। ठीक है, इस तरह से ये नेगेटिव आयन भी यहां से खत्म हो जाते हैं इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, और इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज की मदद से हम इन आयन की कंसंट्रेशंस को खत्म करते हैं, सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है और हमारा सेल बन के तैयार हो जाता है। अब जब ये सेल बन चुका है तो इसमें दो रिएक्शन हो रही है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इनके बीच में डेवलप हुआ था वो था 0.76, और इन दोनों के बीच में जो डेवलप हुआ था वो होता है 0.34। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें सेल का ईएमएफ मिल जाता है, यानी कि 1.1 वोल्ट का हमारे पास ये डैनियल सेल तैयार हो चुका है, जिसकी वोल्टेज 1.1 वोल्ट है। और इसको यहां से पैक कर दिया जाता है, और आपको दो यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव लिख करके पकड़ा दिया जाता है कि ये रही हमारी बैटरी, लिख लीजिए। वैसे देखा जाए तो ये चार पांच काम हम लिखवा सकते हैं, बट मेनली इसके दो फंक्शन हैं। पहला, आपने देखा था ये बिना इस यूट्यूब के ये अलग सर्किट था, ये अलग था, यहां से स्टार्ट होकर के यहां पर आपका वायर खत्म हो रहा था, सर्किट ओपन था। तो पहला काम था इट कंप्लीट्स द सर्किट। दूसरा, यहां पर एक्सेस कैटायन और एक्सेस एनायन जमा हो गए। पहले ये यहां से जैसे इलेक्ट्रोलाइट अपने केसीएल डाला तो क्लोरीन इधर आकर के यहां से जेड एन प्लस टू जो एक्स्ट्रा जमा हो गए उनको न्यूट्रलाइज करता है, इधर से सल्फेट को न्यूट्रलाइज करता है। तो कह सकते हैं इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी। तो ये दो मेन काम इसके होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास सॉल्ट ब्रिज। आइए और बातें करते हैं। हमें पता है दो रिएक्शन हो रही हैं, एक हो रहा है ऑक्सीडेशन, दैट इज जिंक इज चेंजिंग इनटू जेड एन प्लस टू एंड गिविंग द टू इलेक्ट्रॉन विच आर ट्रांसफर थ्रू थ्रू द वायर टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और दैट इज वहां पर होती है रिडक्शन रिएक्शन, कॉपर इन दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, कॉपर में चेंज हो जाता है। अब हमसे बोला जाए सेल रिएक्शन लिखिए, या यूं कहो हाँ सेल रिएक्शन लिखिए, तो इन दोनों को मिलाकर के लिख देंगे कि जिंक यहां पर कॉपर प्लस टू से रिएक्शन करता है इनडायरेक्टली, और जेड एन प्लस टू और कॉपर में चेंज हो जाता है। अगर हम बोलें सेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम कहेंगे, सुनना ध्यान से, जिंक सॉलिड है ना, इसलिए जिंक का एक्टिव मास या कंसंट्रेशन हम वन मानते हैं। चेंज हुआ जेड एन प्लस टू में, और यहां पर हम जेड एन प्लस टू की कंसंट्रेशन लिख देते हैं, मैंने मान ली सी वन है। इसके बाद में लिखा जाता है सॉल्ट ब्रिज, तो ये साइन हो गया सॉल्ट ब्रिज का। उसके बाद यहां पर कॉपर वाली बात लिखी जाती है, कॉपर प्लस टू जो है ये सी टू कंसंट्रेशन से जेड एन की तरफ चेंज हो रहा है, और ये आपका हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं तो हम यहां पर कॉमा डाल करके प्लेटिनम भी लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है यहां पर हमेशा ऑक्सीडेशन लिखा जाता है, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है यहां हमेशा रिडक्शन लिखा जाता है। पहले आप इसको लिखिए क्योंकि ये मिटाऊंगा, मेरे पास जगह कम पड़ गई नीचे। चलिए, तो क्या हो रहा है इधर देखिए, इसके बाद वाला इधर देखिए। तो बेसिकली हमारे पास दो है, दो पोर्शन है,
एक है लेफ्ट साइड वाला और एक है राइट साइड वाला, और दोनों के बीच में ये साइन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। दूसरी बात, एक है Zn+2 जो सॉल्यूशन के अंदर है और एक है सॉलिड स्टेट में। तो Zn सॉलिड और Zn+2 एक्वस स्टेट में, इनको आप इससे सेपरेट करते हो क्योंकि इन दोनों की फिजिकल स्टेट अलग-अलग है। लिख लो, चलो, सेपरेटेड बाय दिस वन बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट। फॉर ठीक है, बट अब जैसे मैं बोल दूं Fe+2 जो एक्वस सॉल्यूशन में था चेंज हो रहा है Fe+3 जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक्वस है, ये भी इक्वस है, तो इस केस में आप यूज करोगे कॉमा का। तो यहां पर पुट कॉमा बिकॉज सेम, बिकॉज ऑफ सेम फिजिकल स्टेट है इनका। तीसरी बात, लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा, चलो पहले लिखो, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डबल लाइन से, सेम फिजिकल स्टेट सिंगल लाइन से, अगर सेम सॉरी डिफरेंट फिजिकल स्टेट सिंगल लाइन से और अलग अलग फिजिकल स्टेट है तो उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। चौथी चीज, चलिए तीसरी चीज एक ट्रिक जनरली बता देते हैं, LOAN। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और एनोड की तरह बिहेव करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो ये ट्रिक आप लोग जनरली याद रखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा जाता है वहां पर हमेशा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Zn से Zn+2, तो यहां से Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह। तो ये आपका ऊपर देखिए एनोड की तरह बिहेव कर रहा था ये, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड वो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ये आपका एनोड की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक पे नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज की तरह भी बिहेव करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर LOAN, ये ट्रिक से हम लोग ध्यान रखते हैं जब भी क्वेश्चन दिया जाता है कि लेफ्ट साइड पे दिया है तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह। अब अगर मैं इसको सर्किट में दिखाऊं आपको ताकि आपको और ज्यादा फील आए, तो जैसे ये रेजिस्टेंस लगा है और आप कहते हैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जा से आ रही है, कॉपर से निकल रही है ना, यहां से। तो ये कॉपर है और ये जिंक है, तो ये आपका एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जब आपको जो सेल दिया जाता है उसमें पॉजिटिव वाला कैथोड और ये एनोड होता है। क्लियर? बना लीजिए, ये ऊपर का रेजिस्टेंस। कुछ नहीं, मैंने ये बताया कि आपको मैंने ये बना के तो दिखा दिया, बट जनरली आप लोग 10th क्लास में या 12th क्लास में जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो हम ये सर्किट देखते हैं, एक सेल है और ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये करंट है, यहाँ पे बल्ब जोड़ दिया, वो सब, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कौन होता है? तो बेसिकली यहाँ जो जिस पे पॉजिटिव है उसको हम बड़ी वाली डंडी से बताते हैं, जो नेगेटिव है इसको छोटी वाली डंडी से बताते हैं। हमारे इस केस में अगर ये डेनियल सेल है तो इसका वोल्टेज 1.1 वोल्ट होगा, सिंपल। तो ये हम जनरली करते हैं जब डायग्राम बनाते हैं, तो ये करते हैं किसमें, फिजिक्स में। अब देखो ये तो हो गया आपका सेल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वोल्टेइक सेल की तरह। कौन सा सेल? वोल्टेइक सेल। कौन होता है?
ऐसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शंस करा करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है सारा मैंने आपको बता दिया। इट मीन्स इट इज कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये सेल धीरे 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 डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जिंक इधर की तरफ आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हो जाएंगे और भी इनमें फॉल्ट निकलते रहते हैं। अब तीन काम करते हैं, है ना, लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, फंक्शन ऑफ सेल when external battery is applied, external battery is applied। आइए, मैं यहां पर रेफरेंस के लिए कुछ चीजें लिख लेता हूं ताकि आपको बाद बाद में मना करके बताऊंगा नहीं। ये जिंक था, ये कॉपर था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे थे, यहां जिंक Zn प्लस टू की तरफ चेंज हो रहा था, कॉपर प्लस टू से कॉपर बन रहा था, ये आपके पास एनोड की तरह बिहेव कर रहा था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, और एनोड इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये कैथोड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब बहुत ध्यान से देखना, बाद में कंफ्यूजन मत क्रिएट होने देना। अब मैंने क्या करा, पहला ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जिंक कॉपर, इसको कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल बैटरी से, मैंने इसको कनेक्ट करा। अभी तक इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा था, मैंने इस पॉजिटिव को किसी एक्सटर्नल सोर्स से और इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। मुझे पता है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट था। ये जो एक्सटर्नल बैटरी है इसका वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम था, ठीक है, मैंने एक और सेल इसके साथ लगा दिया बट उसका वोल्टेज इससे कम था। अगर इसका वोल्टेज कम है तो ये वाला सेल अपनी चलाएगा, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जिंक अभी भी Zn प्लस टू में कन्वर्ट होता रहेगा, कॉपर प्लस टू कॉपर में कन्वर्ट होता रहेगा, ये आपके पास एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और हम कहेंगे सेल विल कंटिन्यू गेट डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्जिंग एंड एक्ट एज अ वोल्टेइक सेल। क्यों? क्योंकि सेल अभी भी अपना काम कर रहा है, इस केस में सेल डिस्चार्ज ही हो रहा है। अब मैंने फिर से एक काम करा, इसमें सॉल्ट भी पड़ा हुआ है ना, बनाना भूल जाता हूं बट है, जिंक कॉपर सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है इज मोर देन 1.1 वोल्ट, अब क्या हो जाएगा, क्या अब ये जिंक कोशिश करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन इधर भेजूं और करंट उल्टी चलाऊं, ये वो काम नहीं होने देगा, ये कहेगा तेरी ऐसी की तैसी, अब ये खुद अपने इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा। क्यों? ये कौन सी रिएक्शन है? ये है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप हो रही है। क्या है? जिंक Zn प्लस टू में कॉपर प्लस टू कॉपर में चेंज हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे। ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से एनर्जी बनी, जिसको आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ला। यहां पर
ये एक्सटर्नल बैटरी लगा करके इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को पलट दिया जाता है। अब यहां पर Zn प्लस टू इन दो इलेक्ट्रॉनों का यूज करेगा और खुद चेंज हो जाएगा जिंक में, और इस पर जिंक की रॉड मोटी होने लग जाएगी जो अभी तक जिंक की रॉड डिप्लीट होती रही थी। यानी कि यहां पर हो जाएगा रिडक्शन, यानी कि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है बट यहां रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कैथोड। और अब अभी भी जिंक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी देखिए कैथोड पे पॉजिटिव था, अब कैथोड नेगेटिव हो गया। यहां पर अभी तक कॉपर प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, अब कॉपर से कॉपर प्लस टू बनना चालू हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाएगा, यानी कि ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है इसलिए हम इसको एनोड कहते हैं। याद कीजिए आप लोग ये करते थे अभी तक टेंथ में कि बाहर से बैटरी लगाई जो पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ उसको आपने एनोड कह दिया और जो नेगेटिव से कनेक्ट हुआ उसको आपने कैथोड कर दिया। ये आपका वोल्टेइक सेल की तरह बिहेव नहीं कर रहा, द सेल विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा जा रहा है केमिकल एनर्जी में, और इसको हम कहेंगे सेल इज चार्जिंग। तो ये दो कंडीशन है, यहां पर दोनों अपोजिट है। यहां पर बच्चों को बिल्कुल क्लियरली मैं बता चुका होता हूं कि एनोड का मतलब क्या होता है। क्या एनोड का मतलब पॉजिटिव होगा? हाँ, अगर एक्सटर्नल बैटरी ज्यादा वोल्ट की लगाई है तो, अदरवाइज एनोड नेगेटिव होगा। ये वोल्टेइक सेल की तरह बिहेव करेगा, यहां पर सेल की जाति बदल गई है, अब ये नर से मादा बन गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि उसने अपनी चला दी, उसका वोल्टेज ज्यादा हो गया। ये बात एक बताने लायक थी, लिख लीजिए और कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो मतलब अगर बाहर से करंट दी जा रही है तो वही है एनोड जो आपको लगता था अभी तक, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, यानी ये सेल खुद देगा तो फिर एनोड नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और एनोड किसी का भी हो हमेशा उस पर ऑक्सीडेशन ही रहेगा, ये देख लेना। जिंक जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था यहां से, क्योंकि जिंक Zn प्लस टू में चेंज हो रहा था और धीरे धीरे ये खत्म हो रहा था, और कॉपर पर ये कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, ये बड़ा हो रहा था ये छोटा हो रहा था। अब रिएक्शन उल्टी हो गई, अब जो यहां पे जिंक के आयन थे वो फिर से जिंक में बदल रहे हैं, रिएक्शन जस्ट रिवर्सिबल हो गई। देखिए पहले ये रिएक्शन थी अब ये रिएक्शन हो गई, तो फिर से जिंक मोटा होने लग जाएगा, कॉपर छोटा होने लग जाएगा। तो जितने भी Zn प्लस के आयन यहां पे इकट्ठे हो गए थे, हालांकि KCl ने उनको करा होगा बट कितना कर देगा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे फिर से। मतलब ये हो गया कि ये मूवी है जो आपने रिवर्स कर दी इस तरह से, है ना। और ये बता तू मोबाइल कैसे चार्ज करता है? मोबाइल को बाहर से करंट देता है तभी तो चार्ज होता है। तो मोबाइल के अंदर जो बैटरी है बेटा, उसके अंदर की रिएक्शन बेसिकली आप रिवर्स कर देते हो बार बार। पेज नंबर 65, नहीं 65 नहीं, आगे बढ़िए। ओह हाँ, पेज नंबर 86, पेज नंबर 86, एक हेडिंग डाला हुआ है इसमें बैटरी, इसमें आपको क्या क्या लिखना है। पहला लिख लो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, ठीक है, टेबुलर फॉर्म एंड एग्जाम्पल्स। दूसरा आपको इसमें दिया गया है और जो भी बैटरी इसमें दी गई है उसका एनोड किस चीज का बना हुआ है, कैथोड किस चीज का बना हुआ है,
जैसे हमारे केस में एनोड हमारा था जिंक का, कैथोड था कॉपर का, उनका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है और उनका ड्रॉबैक क्या है, ये सब आपको लिखना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके टाइप लिखने हैं पहले, फिर इसके बाद में टॉपिक को आगे देखना। ये आपको प्राइमरी बैटरी बना रखी है एक, जिसको इन्होंने बोल रखा है ये द ड्राई सेल, ये ड्राई सेल है। तो ड्राई सेल में एनोड किस चीज का है, कैथोड किस चीज का है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, केमिकल रिएक्शन कौन सी है, ड्रॉबैक कौन सा है, वो लिखना है। और एक इधर से सेकेंडरी सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी जिसको हम बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें ये सारी चीजें यहां भी लिखनी है। इसमें चार्जिंग के टाइम पर रिएक्शन होती है अलग और डिस्चार्जिंग के टाइम पर रिएक्शन होती है अलग, तो ये दोनों रिएक्शन भी लिखनी है। एक बार आप अपनी तरफ से लिख करके तैयार कर लो आपके नोट्स, फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वाला तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, एक्सप्लेन करके सारे कर दूंगा, बट आप लिखेंगे तो 90% चीजें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी कहना क्या चाह रहा है। एक दो तीन, तीन पॉइंट में आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं और डायग्राम भी बना सकते हैं अगर बन जाए तो। और पीछे की तरफ आपके पास निकिल कैडमियम सेल भी है, प्लस निकिल कैडमियम सेल, इन तीन सेल के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना। चार्जिंग की ओवरऑल रिएक्शन याद करनी है और इसी रिएक्शन को उल्टा लिख देंगे तो डिस्चार्जिंग की ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। तो ये काम आपको अपने से करना है। इंटेक्स क्वेश्चन 3.10, 3.11, 3.12 के नीचे वाला टॉपिक नंबर 3.6, ठीक है। प्राइमरी सेल देखो बेसिकली वो सेल होते हैं जिनको आप चार्ज नहीं कर सकते, वो एक बार यूज हुआ और फेंकने पड़ेंगे, जैसे आपके घड़ी के सेल, रिमोट के सेल, चार्ज एक बार होकर के आ गए, काम कर लो, यूज हो गया, फेंक दो। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्शन जो होती है वो इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये वन यूज है, ठीक है, कैन नॉट बी चार्ज। ये एक बड़ी चीज होती है, जैसे यहां पर हमने रिएक्शन देखी रिवर्स कर दी तो ये चार्ज हो गया, कईयों में रिवर्स रिएक्शन होती नहीं तो वो आप चार्ज नहीं कर सकते, वो प्राइमरी होता है। जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें रिएक्शन दोनों तरफ चलती है, चार्जिंग भी और डिस्चार्जिंग भी। लिख लीजिए इसको, ये होमवर्क है आपका और अपनी जिम्मेदारी से करना क्योंकि 12th में मार्क्स तुम्हारे आने वाले हैं, और खुद से पढ़ के करोगे तो ज्यादा बेटर है। सेकेंडरी सेल में भी यही करना है, इसका एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा वाला सिलेबस में है, लेड स्टोरेज, एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, केमिकल रिएक्शन कौन सी चल रही है, ड्रॉबैक कौन सा है, चार्जिंग के लिए अलग, डिस्चार्जिंग के लिए अलग। चार्जिंग में ओवरऑल रिएक्शन लिखना, इसमें भी ओवरऑल रिएक्शन लिखना, पढ़ोगे पता लगेगा आपको मैं क्या कह रहा हूं। हरी वाली है, एक दो पेज छोड़ करके जिसमें आप ये काम कर लें उसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए, शायद इसमें एक और दो, मतलब आगे वाला पेज, पीछे वाला और उसके बाद आधा, डेढ़ पेज भर जाएगा आपको पूरा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हालांकि ये सीरीज में 11th क्लास में भी लिखवा चुका हूं तुम्हें, रेडॉक्स रिएक्शन में, और 10th क्लास में भी लिखी गई है, बट वो आधी लिखाई जाती है, बट मेरे जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं उनको मैंने पूरी लिखाई होगी। लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिखिए इसमें इट इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, इट इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, इट इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सीरीज बाद में लिखाते हैं, पहले कुछ बातें समझते हैं। आपने 12th क्लास में फिजिक्स में अभी तक चैप्टर नंबर 2 जो है इलेक्ट्रोस्टेट का, पोटेंशियल, आप मुझे बताइए क्या रियल में किसी पॉइंट का पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं?
अगर आपसे आपसे बोलूं कि एक चार्ज है, चार्ज शेल है, क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, इसके कारण यहां पर सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? इसका फॉर्मूला आता है के क्यू बाई आर, और हम कहते हैं ये इस पी पॉइंट का पोटेंशियल है, यही बोलते हैं। बट यश मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ये कह दूं कि ये इस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल है? क्या पोटेंशियल आप पता कर सकते हो क्या? मतलब मैं, अच्छा यश मेरी बात का जवाब दो, मैं इस वक्त रुका हुआ हूं या चल रहा हूं? एम आई इन मोशन और आई एम एट स्टेशनरी स्टेट? डिपेंड करता है, मतलब मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है, कि आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो यार? अगर मैं यहां पे, कोई लड़का बैठा है उसके रेफरेंस में मैं रुका हुआ हूं, लेकिन चंद्रमा पे कोई है तो उसके रेफरेंस में मैं चल रहा हूं, 9th क्लास में यही तो पढ़ते थे। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कैलकुलेट करते हो कि यहां पर हमने जीरो मानी, यहां पर वन है तो इसके रेफरेंस में एक ज्यादा है। इसी तरह से पोटेंशियल, पोटेंशियल इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम इसमें हम एक रेफरेंस पॉइंट तय करते हैं कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो माना। बोलो करते हो नहीं करते हो? इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जनरली हमें, अरे यार वहां देखो ना, ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन में भी तो यही करते हो आप, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हो, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल को जीरो मानते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको दो चीजें चाहिए होती थी, एक रेफरेंस के लिए और दूसरा इसके लिए। फिर इसमें से ये माइनस करते थे तो हम कहते थे कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया है, पोटेंशियल नहीं आया। बट सुविधा के लिए हम कह देते थे कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो है, इसलिए ये पोटेंशियल ही है। तो बेसिकली यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट। व्हाई? बिकॉज पोटेंशियल इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, यू ऑलवेज नीड अ रेफरेंस पॉइंट वेयर यू कैन अज्यूम द पोटेंशियल एज जीरो, वेयर यू कैन अज्यूम द पोटेंशियल एनर्जी एज जीरो। नाउ व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, देन यू कैन सब्ट्रैक्ट इट, के क्यू माइनस आर माइनस जीरो, दैट इज द पोटेंशियल वी पी माइनस वी इनफाइनाइट। और मुझे पता है वो जीरो है, इसलिए मैं कह दूंगा वीपी इज के क्यू बाई आर, बट यू कैन कैलकुलेट इट। और छोड़ो और छोड़ो, आप 10th क्लास में वोल्टेज कैसे नापते थे? इस पर कितना वोल्टेज गिरा है, आप इसके लिए क्या लगाते थे? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की कितनी टांगे होती थी? वोल्टमीटर की कितनी टांगे थी ये बताओ? दो। एक आप यहां पे बांधते थे, एक आप यहां बांधते थे, इसकी एक टांग यहां, एक टांग यहां। फिर ये इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नाप करके आपको बताता था कि ये 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट है। ऐसा तो है नहीं कि ये टांग ऊपर कर दी कि भाई पोटेंशियल निकल गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपको, मैंने जब यहां जिंक का सेल बना करके जिंक सल्फेट डाला और मैंने बोला कि इस सेल का पोटेंशियल आपके पास आ गया 0.76 और इस सेल का पोटेंशियल आपके पास आ गया 0.34, तो बेसिकली मैं ये कर ही नहीं सकता, ये मैं निकाल ही नहीं सकता। पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। राइट इट डाउन, वी कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। हेंस वी नीड टू सेट रेफरेंस हाफ सेल। ये मेरे पास, जैसे हम यहां पे पॉइंट, तो यहां पे इंफाइनाइट पे पॉइंट पे जीरो मानते थे, तो अगर ये हाफ सेल है तो हमें एक ऐसा हाफ सेल मानना पड़ेगा जिसके रेस्पेक्ट में आप पता करोगे। ठीक है, वी नीड टू सेट अ रेफरेंस हाफ सेल हुज हुज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड वैल्यू ट्राई करनी पड़ेगी आपको, हुज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड बी टेकन एज जीरो एज अ रेफरेंस, टेकन एज जीरो एज अ रेफरेंस। दैट रेफरेंस सेल, अब वो जो रेफरेंस सेल आपने माना है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब इसका एक पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन रखोगे, पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन डालोगे जो आप कभी चेंज नहीं करोगे।
क्योंकि अगर आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन चेंज कर दी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, फिर आप इसको जीरो नहीं मान पाओगे, है ना। दैट रेफरेंस सेल इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका एक और नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE।